हूं त्रिशला यादव। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये मतदान होना है। वहीं सुबह 9 बजे तक 9.45% वोटिंग हो भी चुका है। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद है, ग्राउंड से आपको बता रहे हैं यूपी की जनता किन मुद्दों पर अपना वोट देगी। वहीं आज उत्तराखंड में भी 13 जिलों की 70 सीटों पर मतदान होना है। वहां पर भी हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है मतदान केंद्रों पर, वहां से बता रहे हैं कि जनता का राय क्या है, जनता का मत क्या है, जनता किन मुद्दों पे वोट देगी, वहां पे व्यवस्था क्या है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह से प्रशासन शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारे ग्राउंड पे, जहां पे अलग अलग जगहों पे हमारे संवाददाता मौजूद है और बता रहे हैं कि जनता के मुद्दे क्या है इस बार इलेक्शन के। दूसरे चरण का चुनाव आज होना है। 9 जिलों के 55 जिलों में 55 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 586 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान है। वहीं अगर बात की जाए तो गोवा में भी आज 40 सीटों पर मतदान होना है। वहीं हमारे संवाददाता सभी मतदान केंद्रों पर अलग अलग जगह पे मौजूद है, वहां से आपको बता रहे हैं कि क्या लोगों की मत है, क्या लोग कहना चाहते हैं। वहीं अलग अलग जगह से लोगों की बाइटें भी आई हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे, देश आगे है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़ें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा ना जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समतामूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम सब ये विचार करें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है, चाहे इसको मादरे वतन कहो, इसको मदरलैंड कहो, और हम सब एक समान हैं और हम सभी महान हैं। ये जातीय अहंकारों से बाहर निकल करके, मजहबी खुरापात से बाहर निकल करके, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये जो एक चल रहा है ना गड़बड़ घोटाला, इससे देश को मुक्ति दिलाने का वक्त है। मतदान करना है, क्या अपील करेंगे प्रदेश में? मतदान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति समृद्धि के लिए और देशवासियों की सुरक्षा के लिए। हमें मतदान करते समय संकुचित अवधारणाओं से बाहर निकल करके राष्ट्र हित को यदि हम सोच करके मतदान करेंगे तो सही मतदान होगा। जब हम सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो फिर हमारा अधिकार भी हमें सही मिलेगा। हिजाब स्कूल में और इस इन बहसों से परे होकर के राष्ट्रहित को सबको सोचना चाहिए। व्यक्तिगत मान्यताएं व्यक्ति तक रखें, राष्ट्रहित में व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नहीं हमें लादना चाहिए। हमारी इच्छा स्वतंत्र हो सकती है। मैं तिलक करता हूँ, मैं ये जो पवित्र पहनता हूँ, मैं सिखा रखता हूँ, ये मेरे लिए उचित है, मैं रखता हूँ, पर मैं सारे देश को ऐसा सोचूँ तो देश की जो विविधता है वो खंडित हो जाती है। किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद मतदान पर ही केंद्रित होती है और उस पर ही आधारित होती है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समस्त नागरिकों का इस प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में भाग लेना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य भी है। मैं अपना वोट दे चुका हूँ, आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप भी मतदान में भाग लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की बड़ी निष्ठा है, मोदी के प्रति निष्ठा है, और जो हरीश रावत जी ने अभी बयान दिया है कि हम हरिद्वार में मुस्लिम इंडस्ट्री बनाएंगे, उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। धर्मनगरी है, कहीं और जगह कहते चलो सुना जाता, तो बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में जीतेगी। आपने देखा कि अलग अलग जगह से बाइट आई, हमने सुनवाया कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या अपना मत रख रहे हैं, चुनावों को लेकर एकता भाईचारा बनाए रखिए, विकास के मुद्दों पे
वोट दे सबका ऐसा कहना है। हमने अलग अलग जगहों से आपको लोगों के राय सुनाए। वहीं आपको बता दे दूसरे चरण का चुनाव आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 586 कुल प्रत्याशी मैदान में है। 586 प्रत्याशियों की किस्मत आज जनता ईवीएम में लॉक करेगी। 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना मत दिया है, किसको 5 साल और विकास करने का मौका दिया है। अगर बात करें तो सहारनपुर से 7 विधानसभा सीटें हैं। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं। अमरोहा में 4, संभल में 4, मुरादाबाद में 6, तो रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। रामपुर हॉट सीट बना हुआ है आजम खां और आजम अब्दुल्ला खां की वजह से। वहीं युवा नेता बीजेपी की तरफ से रण में है, जिनका युवाओं में अच्छी पैठ मानी जा रही है। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, बदायूं में 6, शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें, जहां से मंत्री सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है। काफी मजबूत प्रत्याशी, काफी मजबूत राजनीतिक पैठ है सुरेश खन्ना का। तो उनके ऑपोजिट में तनवीर खां चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात कर ले पहले चरण के चुनाव की, तो पहले चरण के चुनाव में कुल 62.8% वोटिंग हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा किसान कैराना पलायन था। तो वहीं अब दूसरे चरण की चुनाव की अगर बात करें तो दूसरे चरण में भी 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में भी कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में, कई हॉट सीट भी हैं, नकुड़, देवबंद। वहीं अगर सहारनपुर से देखा जाए, धर्म सिंह सैनी जो सपा में शामिल हुए, कई दल बदल भी हुए हैं। दल बदल के चलते जनता में थोड़ी कंफ्यूजन भी देखी जा रही है। गुलाब देवी जो संभल से हैं, तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। धर्म सिंह सैनी भी जो भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं। तो वहीं सहारनपुर में 7 सीटें हैं, बिजनौर में 8 हैं, अमरोहा में 4 हैं। वहीं अगर बात करें यूपी में दूसरे चरण के चुनाव की, तो यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में 9 बजे तक कुल 9.45% वोटिंग हो चुकी थी। सहारनपुर में 10% वोटिंग हो चुकी है, बिजनौर में 9%, अमरोहा में 7.65% वोटिंग हो चुकी है, शाहजहांपुर में 7.84% वोटिंग हो चुकी है, संभल में 10.76% हो चुकी है। संभल से ही गुलाब देवी है जो मंत्री है इस वक्त मौजूदा सरकार में, काफी मानी जानी नेता है। बरेली में 8.31% वोटिंग हो चुकी है। वही बात अगर रामपुर में करें, रामपुर की करें, तो रामपुर में 8.27% वोटिंग हो चुकी है। बदायूं में 9.18% वोटिंग हो चुकी है। मुरादाबाद में 7.4% वोटिंग हो चुकी है। लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, सभी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दों पर वोट दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। विकास, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दों पर जनता वोट दे रही है। वहीं मुस्लिम समीकरण भी दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। जिस तरह से दूसरे चरण के मतदान में 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है, कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो वहीं एक तरफ कई बड़े नेता और बड़े मंत्री ट्वीट करके भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अगर आपके जिले में मतदान हो रहा है तो नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें, मतदान के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और लगातार मतदान केंद्रों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, आपको वहां से बता रहे हैं कि लोग किन मुद्दों पर अपने वोट दे रहे हैं। वहीं आज उत्तराखंड में भी 13 जिलों के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान है आज। वहीं संवाददाता रामपाल सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ेंगे। रामपाल, क्या माहौल है चुनाव को लेकर हरिद्वार में, जनता के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव? मोड पर मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो चुका था, अभी जो है ना मतदान पर काफी लंबी भीड़ लगी हुई है, सभी अपना मतदान कर लाइन में लगे हुए हैं। जी, जिस तरह से दल बदल भी बहुत हुआ है, तो जनता में क्या कोई कंफ्यूजन है प्रत्याशियों को लेकर के, क्योंकि दल बदल बहुत हुआ है? नहीं मैम, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी प्रत्याशियों के वोटर अपनी लाइन में लगे हुए हैं, सभी अपना मतदान कर रहे हैं। रामपाल, जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है हरिद्वार में? हेलो, रामपाल, जनता का मुद्दा क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर
मैं मुझे बताना चाहूंगा कि जनता जो है अपने विकास के कार्यों को ज्यादा तवज्जो दे रही है और वो इस बात को कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी हमारे काम करेगा और हमारे साथ लगेगा, हमारा अच्छे समय बुरे समय में काम आएगा, हम उन्हीं को वोट करेंगे। जी रामपाल, आप बूथ पे लगातार बने रहिए, जानकारी देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संवाददाता रामपाल हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि हरिद्वार की जनता भी विकास के मुद्दों पर वोट दे रही है। उत्तराखंड में भी 13 जिलों के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, तो वहीं उत्तराखंड से भी कई दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं। वहीं अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का चुनाव है, 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर लंबी कतारों में वोट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं